आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी, कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, सैरी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। नाश्ते में भी आप इसको बच्चों को दे सकते हैं, सैरी में भी बना सकते हैं और इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं फटाफट से, कोई मसला नहीं है। 10 से 15 दिन ये खराब नहीं होता। आप फ्रिज से निकालें, सैरी करें, अपने बच्चों को नाश्ता दें। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके साथ एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम चीनी का शीरा तैयार करेंगे और इसके अंदर हम एक कप चीनी का शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को ऑन कर देंगे और एक ही कप हम इसके अंदर पानी का डालेंगे, कोई मसला नहीं है। और इसको हम मेल्ट होने देंगे। हमने एक तार से पहले इसको रोक लेना है, एक तार का शीरा जैसे हम तैयार करते हैं उससे पहले हम रोक लेंगे। मैं आपको बताऊँगा किस तरह का हमें चाहिए। थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर शामिल करेंगे इसको कलर देने के लिए इस तरीके से, और इसको हल्का सा इस तरीके से हिला दें आप और इसको चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। साथ मैंने एक और पैन रखा हुआ है, देखें कितना प्यारा कलर आ गया, गल समझ आ रही है। साथ हमने एक और पैन रखा हुआ है, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। हमने ब्रेड को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, हार्ड करना है उसको, ठीक हो गया। इसके साथ का एक ऑन कर लें, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें, ठीक हो गया। इधर चीनी मेल्ट हो रही है, इधर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। ये हमारे पास छोटे साइज़ की जो ब्रेड होती है मिल्की, उसके स्लाइस हैं 7 से 8 अदद, इस तरीके से इसको डाल देंगे और हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक हो गया। हार्ड भी हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे। ये रही, फ्लेम को बंद कर दें शीरे के। अब ये एक तार का नहीं बना, एक तार से पहले किसको कहते हैं ये देखें, ऐसे हाथ को लगाएं, ये आपका आपस में चिपके, बस तार ना बने वेच एज एंज उंगलियाँ चिपकन, समझो ये तैयार हो गया। इसको उठाएं, यहाँ साइड पे रखने लगे हैं, थोड़ा सा इसका हीट निकल जाए, ठंडा हो जाए, जब तब तक हम ये ब्रेड को फ्राई कर लें। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन किया, इसके साथ का एक पैन रख दिया। आधा किलो दूध 500 ml शामिल कर दें, इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दें। जैसे इसको बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलूँगा। ये नहीं, दूध तो बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, उसके अंदर हल्का सा हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे, कोई गुठली वगैरह इसमें ना रहे, अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको फेंट लें। ये नहीं, फेंटने के बाद दूध को देखें बॉयल आना शुरू हो गया। कैमरा मैन दिखा सके, फ्लेम को स्लो कर दें और ये जो कॉर्नफ्लोर है ये इसके अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे 2 से 3 मिनट मजीद पकने दें ताकि हमारा ये जो है ना गाढ़ा हो जाए, अच्छा सा जो है ना क्रीमीपन आ जाए, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरह का, गल समझ आ रही है, मक्खन बन रहे हैं, नाश्ते नहीं मक्खन बन रहे हैं, पेड़े बन रहे हैं। इस तरीके से इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे, जो शीरा तैयार किया था इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ये जो हमने दूध और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके तैयार किया है इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। फौरन आपने प्रोसेस नहीं करना, अगर फौरन प्रोसेस करेंगे फिर आपका नाश्ता टेस्टफुल नहीं बनेगा। थोड़ी थोड़ी में से हीट निकल जाए फिर मैं आपसे मिलूँगा। अलहमदुल्ला जिस तरह का हमें ये ठंडा चाहिए था शीरा और ये जो हमने दूध की बलाई तैयार की थी कॉर्नफ्लोर डाल के, उस तरह की ये ठंडी हो गई। अगर फुल ठंडा करेंगे फिर टेस्ट फुल नहीं बनेगी, ये बात ध्यान में रहे। और कुछ लोग जब ये नाश्ता तैयार करते हैं तो वो ब्रेड को मजीद इससे ज़्यादा डार्क करते हैं, आपने इससे ज़्यादा डार्क पसंद है डार्क कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से, इस तरह का एक सर्विंग बोल ले लें, इस तरीके से इसमें लगाने लगे हम इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये चस्के बढ़न गए, ये ऐसे लगा दें, ऐसे ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके अंदर शीरा डालेंगे। शीरा डालने के बाद फिर हम ये अपनी मलाई डालेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको डाल दें, ये ना जी इस तरीके से इसको फैला दें सब पे, अच्छे तरीके से हमने सब कुछ इसमें डाल लिया। ये ना जी इस टाइम पे आके किशमिश हमारे पास, थोड़ी थोड़ी ये लगा दे ऊपर,
इस तरीके से कोई मसला नहीं है। चांदी के वर्क आप लगाना चाहते हैं, आपको पसंद है लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं। इस तरीके से थोड़ा सा हम आपको लगा के दिखा दें। ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी सिरप है हल्का सा, ये इस तरीके से मार्केट से मिल जाता है। अगर ये ना हो तो रोफजा भी डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। और इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे तरीके से शीरा और ये जो हमने मलाई तैयार की है ये अपना काम दिखा दे, उसके बाद आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है। इसको अब यहाँ से हम काट के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, इस तरीके से कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी लुक आएगी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी, ये देखें सुभान अल्लाह। हैं जी, ये नहीं जी सुभान अल्लाह, गल समझ आ रही है। इस तरीके से ये साथ में एक दूध का गिलास, ये आपकी सहरी तैयार कर दी हमने। ये ले जी आपकी सहरी के लिए और आपके बच्चों की ब्रेकफास्ट के लिए। ये किस तरीके से हमने आपको इसकी रेसिपी दी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।